나가잖아. सदर के कैंडिडेट्स हैं या जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको आपने इनवाइट किया है या नहीं किया है? ये हमारे अपने पार्टी के बहुत सारे दोस्तों को भी शायद इस बात का इलम ना हो, क्योंकि यहाँ मीडिया भी बैठी है। मेरे कुछ दोस्तों ने बड़ा अपना जज्बा यहाँ अपना जज्बाती तकरीर में बड़ी अच्छी बातें की कि पार्टी के अंदर कोई ग्रुपबंदी नहीं है। कोई नाराजगी जरूर उस हद तक हो सकती है, जाहिर है किसी भी सियासी जमात में आप अगर एक ट्रांजिशनल पीरियड्स होते हैं, पार्टी अभी नया सदर चुनने जा रही है मरकज से, फिर पूरी काबीना नई बनने जा रही है, तो उस दौड़ में हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, हर बंदे का अपना एक ग्रुप होता है। जाहिर है वो अपने उस पूरे फॉलोअर्स के साथ अपनी ताकत शो करके ही किसी स्टेज तक पहुंचता है। तो दो दिन पहले दारेल में एक पोलो का टूर्नामेंट था, वहां मैं और हमारे सीनियर नायब सदर जो हमारे एक्टिंग सदर हैं आजीशान आसिफ साहब, हम साथ वहां पे थे, दोनों हम चीफ गेस्ट थे। वहां से वापसी पे शाम का रात का खाना उनके घर में हुआ। उनके घर में उन्होंने मुझे कहा कि जी रात का खाना मेरे घर आप खाए, तो उनके घर में हमने खाना भी खाया। फिर दोस्त ये सोचता है नहीं जी इससे ये बेहतर है, ये एक पसंद है। मैं एक वाकया सुनाऊं जो मैं चार दफा अपने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इवेंट्स में मैं सुना चुका हूं। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सेपरेशन हो रही थी, अलाइदगी हो रही थी, दो कौमी नजरिए को लेकर कायद आजम मोहम्मद अली जन्ना लीड कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी एक बहुत बड़ी उनके साथ सिटन शामिल थी।
और आगा खान स्वयं उसके बानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो बानी रहनुमा थे, बुनियाद उन्होंने रखी थी, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उस पूरे उस मिशन को अलायदा एक हम स्टेट बनाए हिंदुओं के साथ, चूंकि हमारा कल्चर खाना पीना रहन सहन ये मिलता नहीं है, इस फिक्र को लेकर एक तहरीक चली। 1947 में मेट्रो पार अपना लाहौर जो जो बड़ा एक मीनार है पाकिस्तान में, कि हम आपस में बिल्कुल दुश्मन बने, ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पीपल्स पार्टी आपके सामने है, उनकी पूरी लीडरशिप इधर आ गई, जाफर शाह का अलग पैनल था, मेहंदी शाह का अलग पैनल था, अमजद का अलग पैनल था, लेकिन उसकी पार्टी ने एक को बनाया। आज मेहंदी शाह साहब उसको तस्लीम नहीं कर रहा है। तो बात ये नहीं होती है, अपना जो उस दौर तक उस कामयाबी तक यकीनन नजरिया अलग अलग होता है, उसमें इख्तलाफ राय जरूर होता है, ये हरगिज ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई के अंदर कोई ऐसी कोई नाराजगी है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट न करें। बिल्कुल आज मीडिया के सामने हम वादे कर लें, हम वादे कर लें कि तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह, यहाँ कुछ दोस्तों ने कहा कि एक वक्त ऐसा था कि जिसको टांगा पार्टी कहते थे, ताना भी देते थे, एक हकीकत बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत रैपिड ये पार्टी बनी है, बिलखसूस हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 2015 में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस पार्टी ने पहला इलेक्शन अपना लड़ा और 17 कैंडिडेट्स अपने उतारे, उनमें से 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नेक टू नेक मुकाबला जिन्होंने किया, कोई एक वोट से अगर हारा है तो कोई नौशाद आलम हमारा 150 वोट से हारा है, अमजद जैदी 100-150 वोट से हारा है, हमारी आमना अंसारी 200-250 वोट से हारी, तो बड़ा तगड़ा मुकाबला हमारी पार्टी ने किया है। 2015 के इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक मरकज में हुकूमत बनने तक एक सियासी वर्कर का काम ही क्या होता है, वो ये होता है कि मेरा अपना जो नजरिया है कि जब आपकी पार्टी हुकूमत में नहीं होती है तो वर्कर का काम होता है अपनी पार्टी को संभालना, और जब पार्टी आपकी हुकूमत में आएगी तो फिर हुकूमत का काम होता है आपके वर्कर को संभालना। तो आज हमारा इंशाल्लाह और जितनी कुर्बानियां हमारे वर्करों ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के मुख्तलिफ तहसीलों के लोगों ने दी हैं, यहाँ बहुत पुराने पुराने चेहरे मेरे सामने हैं, अगर एक आधा गलती से भी मैं नाम छोड़ूं सामने बैठे हैं, नाम मैं नहीं लेता क्योंकि गलती से एक भी नाम अगर रह जाए, बिलखसूस हल्का नंबर 2 के अंदर जिन्होंने पर्सनली तौर पर 2015 में सपोर्ट किया है, यकीन करें वो महफिल में है, आपसे माजरत कि आपका नाम लूंगा तो शायद फिर और के साथ अगर ज्यादा भी हो वो भी कहेंगे जी हमारा नाम नहीं लिए गए। तो एक लीडर के लिए मुश्किल होता है कि स्टेज से एक का नाम ले और दूसरे का नाम छोड़े। तो बहरहाल इस पार्टी के लिए चेयरमैन इमरान खान साहब का जो विजन है कि उसको 20 साल पुराना वर्कर जो अगर एक्टिव नहीं है, मैदान में उसने अगर काम नहीं किया है, प्रोग्रेस उसकी सही नहीं है, तो मेरे ख्याल से टेलीविजन के सामने कई मरतबा उन्होंने ये बात बताई है कि मैंने उसका कुछ नहीं लेना देना, मैंने कोई आचार उसका नहीं डालना है, उसके बदले में अगर एक नौजवान या काबिल आदमी 6 महीने पहले आया है वो रात दिन पार्टी के लिए काम करता है, तो मेरे ख्याल से चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए वो 6 महीने पहले वाला ज्यादा अजीम है, बनिस्बत 20 साल पहले का ऐसी दावा करे घर के अंदर बैठे टीवी देखे और रात को। मेरी पर्सनली गुजारिश भी है कि आज एक मतवसर तबके के घर से ताल्लुक रखने वाला आपके सामने में खड़ा, ये वो सियासी जमात है, एक अदना लेवल का वर्कर आज गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई सदारत के लिए अगर मैं एज ए कैंडिडेट भी शामिल हूं तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें इस झंडे का कमाल है कि ये झंडा वफा करता है, ये झंडा इंसाफ देता है।
अदना से अदना वर्कर भी अपनी हिम्मत करके वो आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा नाम होने की जरूरत नहीं है। खान साहब की जो विजन है, हमारे कोई मतलब चाचे मामे के पुत्र हम सब में से कोई खान साहब का नहीं है। उसने अपने चाचे मामे के तमाम पुत्रों को घर छोड़ा है। इस पार्टी की खातिर, इस मुल्क की बेहतरी की खातिर जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, करप्शन पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चार वजीर साहब का हुकूमत में करप्शन पे वो मुर्तकिब हो गए थे, निकाल नहीं रहा था। लोगों ने सड़कों पे आके, रिजवी साहब लोगों ने भी आपको याद होगा, वो एक मिनिस्टर जो थे जायद हामिद, इस हद तक बेशर्मी थी कि उसको निकाल नहीं रहे थे, इस्लाम के खिलाफ जो उन्होंने आवाज बुलंद की थी। लेकिन करप्शन तो दूर की बात है, सुस्त रवि के शिकार जो वजीर हैं उनको निकालना शायद दुनिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। ये होती है मेरिट और ये होता है प्रोग्रेस। तो चूंकि आज हमने तजदीद एहद वफा करना है चेयरमैन इमरान खान के साथ, आए मिलकर इस गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए हम एहद कर लें। हमारे पास लिखे पढ़े प्रोफेसरों की कमी नहीं है, नौजवान कमिटेड वर्कर्स की कमी नहीं है, हमारे पास बुजुर्गों की भी कमी नहीं है। तो हम दिल अपना साफ करें। मेरी एक वीडियो मैंने रात लेट एट नाइट वायरल की है, मेरा वो मैं कल भी अपनी मीटिंग में नीचे डुनिया में कह रहा था अपने पार्टी के वर्करों से, वो बड़ी मुश्किल से मुझे दारेल से सेंड हुई, सेंड होते होते 4 घंटे लगे, और वो मैंने अपने पेज पे भी अपनी आईडी में भी वो मैंने लगाया है। दारेल जैसी जगह में जाके खलकत खुदा वहां पे मौजूद थी, कम से कम 10 से 15 हजार का मजमा था वहां। परसों की बात है कि जो दारेल की आज लोगों के सामने करेंगे वही बात नगर और नगर में भी करेंगे। मैं ये बात करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर बड़े हवाले भी दिए 1994 के इलेक्शन से लेकर, मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मजहब का शिराजा बिखेरा हुआ है। मेरी मर्जी आए तो मैं अपने मोहतरम काजी निसार साहब के, मैं अपने मोहतरम आगा राहत साहब के जाके जूते चाटता हूँ। जब मेरा मकसद पूरा हो जाए मैं उसको बाजार में लाके नंगा करता हूँ। फतेहउल्लाह को गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला तो दूर की बात है, पाकिस्तान की अगर 100 साल मुझे इख्तदार मिलता है, मैं अपने आलिम दीन किसी भी सेक्ट का हो उसके बारे में मामूली अगर दिल में खराश भी लाऊं कि उसके खिलाफ में बात करूं तो मैं इस्लाम से बाहर होता हूं। मेरा दिल तो मुझे ये कहता है किसी भी मजहब के लिए, यानी मेमोरी की खातिर हमने मजहब को इस्तेमाल नहीं करना है। वर्सा होते हैं अंबिया के, हमारे मौलवी किसी भी सेक्ट का हो। दारेल में बैठ के हमने कहा कि एक वक्त ऐसा था कि दारेल का बंदा ये सोच रहा था कि नगर के शिया के सिंह कितने बड़े हैं। मेरी तकरीर में मैं कह रहा था, मैंने कहा यार नगर वाला शिया कहता था कि दारेल के बंदे के कान इतने लंबे होंगे, इतने इतने बाल होंगे, ये एक प्रिसेप्शन था। बट गेम टूट गया है, आज ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। तो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको प्यार बांटने के लिए भेजा है, इबादत के लिए। मेरे ख्याल से अल्लाह ने इतने फरिश्ते कायम किए हैं इबादत के लिए, जिनका रिजल्ट, जिनकी रोटी वो अल्लाह की सना पढ़ना है। अल्लाह की सना पढ़ते हैं उनका पेट भरता है। मैं और आप तो खाना खाते हैं अपने लालिश के लिए, पेट के लिए। तो मेरे ख्याल से इबादत अपनी जगह, इबादत से ज्यादा मामलात ये हैं कि आपके हाथ पैर से लोगों के लिए अच्छाई हो, आप अपने हिस्से का काम करें। बाकी ना मैं किसी और दोस्त का जो अल्लाह की तरफ से वो जो अपने साथ पूरा एक जो पैकेज लेकर आया है कोई शख्स, उसका पैकेज मैं छीन नहीं सकता, ना कोई बंदा मेरा पैकेज छीन सकता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान साहब के खिलाफ 2018 के इलेक्शन में इकट्ठी हो गई थी, तमाम सियासी जमातें, लेकिन अल्लाह ने उनको इज्जत देनी थी, इज्जत दे दी। तो माशरे में इख्तलाफ भी होता है, माशरे में आपके फॉलोअर्स भी होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। बाकी खुला मैदान है, अपने अपने घोड़े दौड़ाने का एक कारकुन के पास भी उतना ही हक है।
جتنا حق ایک لیڈر کے پاس ہوتا ہے. تو بچیاں ابھی کافی آ بھی رہی ہیں. یوم تاسیس جو ہمارا ایک آج کا جو پروگرام ہے اس کو آپ نے آج جس خوبصورتی کے ساتھ منایا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم سب مل کے منائیں گے, اور گلگت بلتستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے بہت ساری باتیں کی, میں بھی تھوڑی سی بات کہ چیف منسٹر صاحب حفیظ الرحمان صاحب نے وعدے دعوے نعرے جو کیے تھے عوام کے سامنے ہیں, اور آج بیجا ٹائم کے اندر جا کے لوگوں کو لولی پاپ دینے کی جو کوشش کر رہے ہیں, کہیں جا کے تحصیل دے رہے ہیں, کہیں جا کے سب ڈویژن دے رہے ہیں, تو کہیں جا کے اضلاع کا اعلان کر رہے ہیں, تو وہ سارا ڈوم ہے, وہ سارا ڈراما ہے. انہوں نے پورا کا پورا الیکشن مذہب کے کارڈ کے اوپر الیکشن لڑا ہے, اقتدار میں آیا ہے. آج دیامر کے لوگوں نے اس کو جو جواب داریل اور تانگیر کے لوگوں نے جو بھیجا تھا اسی خوف سے وہ داریل جا کے اگر واقع اس نے ضلع ہی دینا تھا تو داریل کے لوگوں کے سامنے جا کے دیتا, وہ تانگیر کے لوگوں کے سامنے ہی جا کے دیتا. تو یہ سارے ڈرامے سارے اس کے آس پاس اڑوس پڑوس میں جتنے آپ خود دیکھ رہے ہیں جن کو انہوں نے اٹھانا تھا انہوں نے اٹھایا ہے. میں پرسنلی آج 6 جولائی کے جلسے میں بھی ایک بات کی تھی, آج بھی میں بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل وکٹیمائز جو سیاسی انتقام کا شکار چیف منسٹر حفیظ الرحمان صاحب نے پرسنلی مجھے بنایا ہے, خدا گواہ ہے, میں وہ اس رونا رونے کی طرف میں نہیں جاتا. خوب جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے میرے بھائی سے لے کر باپ سے لے کر رشتہ داروں سے لے کر سب کو وکٹیمائز بنایا ہے, لیکن اللہ نے اگر ہمیں اقتدار دیا تو ہم ان کے رشتہ داروں کو کبھی بھی پولیٹیکل وکٹیمائز نہیں کریں گے. ہم اس کے رشتہ داروں کو, بھائیوں کو, اس کے ڈاکٹر اقبال کی ہم پوسٹنگ داریل کبھی نہیں کرائیں گے, اس کے ڈاکٹر اقبال کو ہم نوکری سے کبھی بھی نہیں نکالیں گے جس طرح وہ کرتا رہا ہے. انسان اپنی عادتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے. میرا مقابلہ اس سے ہے تو میں اس سے انشاءاللہ براہ راست لڑوں گا, سیاسی لڑائی لڑوں گا. اس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کو تنگ کرنا میرے خیال سے ہم اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں. باقی عوام کے سامنے ہے, آپ باشعور ہیں کہ آپ مذہب کی اس کارڈ کے اندر نہ آئے. میں محض ایک اہل سنت و جماعت کا بن کے کسی بھی معاملے میں نہ جھگلوٹ نہیں کیا ہوں تو نہ میں گلگت میں کہیں جاؤں گا. ایک سیاسی ورکر تھا ہوں اور رہوں گا, 10 دفعہ بھی میں ہار جاؤں میں ایک سیاسی ورکر ہوں. ایک دن آئے گا انشاءاللہ لوگ ضرور یہ محسوس کر کے کہ یار اس کا بھی سٹرگل ہے, حق ہے کہ پھر بھی ضرور وہ کریں گے. بات اقتدار کی نہیں ہے, بات اقدار کی ہے. آپ کا کیریکٹر وہ ٹھیک رہے اور اس کیریکٹر کے اندر رہ کے آپ پولیٹکس کریں, اور اس میں آپ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جو بھیجا ظلم زیادتی ہوتی ہے وہ نہ کریں. ہم تو اس مقصد کے لیے اس سیاست میں آئے ہیں. باقی گلگت بلتستان اس ملک خدا داد کے لیے کسی اور صوبے سے بہت زیادہ ہے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں, یہی کہ ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں, اپنا ان پٹ اپنے معاشرے کے اندر دیتے رہیں, اور جو ادارے جو ہمارے حکومت اور اس کے وزراء کے جو اندر بہت زیادہ منظم ہو گئی ہے سٹی میں, اجمل صاحب لوگوں نے ہم سب نے مل کے تمام دوستوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, سب نے محنت کی ہے, کام کیا ہے, سب کریڈٹ کے مستحق ہیں. اور عتیق نے جس طرح کہا تھا جھاڑو لگا کے ہی بندہ پہنچتا ہے, یقیناً کئی دفعہ میں نے, ایک دفعہ نہیں لگایا, ایک دفعہ وہ آگے ترس اس نے کھایا ہوگا, کئی دفعہ لگایا. اور آج کارکنوں کے سامنے ایک اور عہد وفا بھی کر کے جاؤں کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت چیئرمین عمران خان صاحب سے لے کر سیف اللہ خان نیازی صاحب سے لے کر اور سیکرٹری جنرل ارشد داد صاحب سے لے کر اگر ایک کھمبے کو یا گدھے کو بھی لا کے پبلک چوک میں یادگار چوک میں کھڑا کرے کہ یہ آپ کا صوبائی صدر ہے فتح اللہ خان, اس کو مان کے چلنے والا. یہ بات کئی دفعہ وہاں
अपील की है आज सब मैं करता हूँ और आए हैं सकारपुरी से बहुत सारे दोस्त जिधर से मंसूर लोग आए हैं डॉक्टर वसीम लोग, मैं अपने हल्का नंबर दो की ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा जो बाकी हल्कों वो फिर ये महसूस ना करें जिसने अपने हल्के के लोगों की बात की है। हैदर भाई है मेरे साथ गिलगिती और जितने भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से चंद अफराद जो आए हैं नगर से इसकरपुर से यहाँ अपना वो है अख्तर जुमा आयु के हमारे आईएसएफ के दोस्त हैं तो इन सब का ये दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दूर दराज की से आए हुए तमाम पीटीआई के साथियों का करें आपने एक्सपेक्टेशन से उम्मीदों से बढ़ के आपने रिजल्ट दिया है तो आइंदा हम इत्तेफाक इत्तेहाद नज़म और ज़बत के साथ इस जमात को मजबूत करने के लिए हिस्सा डालते रहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि अगली दफा आज जिस जिन्होंने बहुत सारे चेहरों ने तकरीर की अगली दफा वो नहीं करेंगे कुछ और चेहरे तकरीर करेंगे तो आखिर में मैं फिर एक दफा एक्सक्यूज करता हूँ यहाँ अनीस शेख बड़ा शौक होता है इनको इसे स्पीच भी बड़ी तगड़ी करता है बट आपको भी स्किप किया हमने माइंड नहीं करना है आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त तो कारी मेरे भाई ये भी जोशी आज हमने गीत के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस मनाया सालगिरह मनाया तो आज से 23 साल पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने जो पौधा लगाया था उसे तमाम यूथ ने तमाम आवाम ने साथ देख के अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान में हुकूमत बनाई और इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगले 2020 के इलेक्शन में बनेगी तो आज इतनी सारी तादाद में जमा होने का मकसद भी यही था कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ी से शोहरत पा रही है मकबूल हो रही है और तमाम जो आवाम है वो साथ दे रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट की सदर मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इमरान खान का जो विजन था उस पर हम लोग अमल करके हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी इमरान खान का विजन आगे लेके हम चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों को 23वां यौम तासीस मुबारक हो। साथ ही साथ इंसाफ यूथ विंग गिलगित बल्तिस्तान की रहनुमाई करते हुए मैं गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी इमरान खान के चाहने वाले लोग हैं इनको ये बताना चाहूँगा कि इमरान खान की जो 23 साल जद्दोजहद इस मुल्क के लिए रही है और आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होकर इमरान खान साहब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं। ये जो मेहनत इमरान खान ने जो 25 सालों में की है उससे वज़ीर आज़म बनने के बाद आज एक साल पूरा हो चुका है और मुखालिफिन जो 70 सालों में जो गंद बला इमरान खान साहब के दामन में लाकर छोड़ा है उस गंद बला को एक साल में सफाई की बात करते हैं नारों की बात करते हैं अदम एतमाद की बात करते हैं तो मैं उन नादान लोगों को बताना चाहता हूं कि जो गंदगी आप लोगों ने दी है और सिर्फ 5 रुपए का सर्फ एक्सल इमरान खान साहब के पास जो कि एक साल के टेन्योर में है इस वक्त इंशाल्लाह हम अपने खान के विजन पे खड़े हैं और अपने खान के नज़रिए पे और अपने खान पे पूरा का पूरा एतमाद करते हैं। वो वाहिद नोडल लीडर है जो क्रिकेट के ग्राउंड पर अगर अदम क्रिकेट के ग्राउंड पर अगर अज़म करते हैं तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जैसी चीज़ ला कर दी और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान को हमारा लीडर इमरान खान ही एक नया गिलगित बल्तिस्तान बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज 24 अप्रैल 2019 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के 23वें साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनों ने जोश जज्बा और पार्टी के साथ एक अहद वफा का आज सबूत दिया और इसका केक भी आज हमने काटा। इसके एक पस मंज़र में हम जाते हैं आज से तकरीबन 23 साल पहले हमारे कायद इमरान खान साहब ने इस वतन अजीज़ के अंदर जिस चीज़ की कमी उसने देखी वो इंसाफ की कमी देखी और इस इंसाफ की अलम को प्रचार दिलाने के लिए उसने अपने साथ एक टीम मिलाई एक आइडियोलॉजी के तहत। तकरीबन आज से 23 साल पहले यानी कि 24 अप्रैल 1996 से अपने जद्दोजहद का आगाज़ किया
अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की अवाम दोस्त पॉलिसी जद्दोजहद अज़्म और अवाम के साथ उसकी हमदर्दी ने जज्बात को आगे बढ़ाते गया और उसके साथ कारवां में लोग मिलते गए। अल्हम्दुलिल्लाह 25 जुलाई 2018 को उसका जो अज़्म था, उसका जो नज़रिया था, वो पाकिस्तान के अंदर प्रचार हुई और हमें उम्मीद है, वक्ती तौर पे थोड़ी सी क्राइसिस है लेकिन वो पिछले 70 सालों की गंद की वजह से हमारे खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उस गंद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर रहनुमा, हर लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, 2-3 सालों में पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की बोलबाला होगी और इंशाल्लाह रोज़गार, लोगों को इंसाफ और लोगों को सेहत का इंसाफ मिलेगा। और हम यह गुजारिश करते हैं, मीडिया वालों से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग आवाम की आँख कान बन के मसाइल को उजागर करते हैं, आपको हम खराज तहसिन पेश करते हैं। साथ ही साथ आपसे हम गुजारिश करते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे मसाइल में गिरे हुए हैं, इन मसाइल को हल करने और आइंदा आने वाले इलेक्शन में बेहतर से बेहतर अवाम दोस्त पॉलिसी रखने वालों को इस असम्बली में लाने के लिए आप लोग अपना मेहनत, अपना कोशिश और अज़्म जारी रखें। बहुत शुक्रिया। मैं यूथ की प्रेजेंटेशन करते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ की प्रेजेंटेशन करते हुए, आज योम आज पीटीआई के 23वें योम तासीस के मौके पर बिलखसूस मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों और बिलउमूम पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि इमरान खान एक सियासी नहीं बल्कि एक अजीम लीडर है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम लीडर से नवाजा है। इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब के विजन को गिलगित बल्तिस्तान के गली गली, कोचे कोचे तक हम फैलाएंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई की हुकूमत बनेगी। और जब जब गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत बनेगी तो यहाँ पर इंशाल्लाह नौजवानों के सारे मसाइल हल होंगे, उनके रोज़गार के मौके पैदा होंगे और उनके जो भी मसाइल है बिलखसूस यूथ के सारे मसाइल हल करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आज योम तासीस पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का योम तासीस जो 23वां मनाया गया गिलगित शहर के अंदर, केक भी काटा गया, बहुत बड़ा इवेंट हुआ, बहुत अच्छा इवेंट हुआ। और मैं आज इसी योम तासीस के तवसुत से हमने आज सब कारकुनों ने मिलकर अपने कायद इमरान खान साहब के साथ तजदीद एहद वफा किया कि हम जितने भी बुरे हालात हो, जितने भी अच्छे हालात हो, कुछ भी हालात हो, जिस क्राइसिस से इस टाइम पार्टी के मामलात गुजर रहे हैं, मुल्क के गुजर रहे हैं, हम अपने कायद इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये हमारी आज तदीद वफा हमने अपने कायद के साथ किया और हम यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात ये कि कहना चाहूँ कि 72 सालों से हमारे यहाँ गिलगित के अंदर वडेरों, जागीरदारों, इन सब की राज रही है और इन्होंने कोई काम नहीं किया और लॉलीपॉप देकर अभी तक सारा गुजारा किया हुआ है। और वाहिद वही तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे खान साहब हैं जो गिलगित को हकूक दे सकते हैं। चूँकि आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को योम तजदीद एहद वफा का दिन है। खान साहब ने 23 साल पहले इस तहरीक का हिस्सा रखा था और खान साहब ने 23 साल पहले ये बोला था कि मेरे वोटर, मेरे सपोर्टर, मेरे नज़रियाती हामी अभी छोटे हैं, वर्कर हैं, नौजवान हैं। तो अब आप सबके सामने नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की लहर पाकिस्तान के अंदर बेहतर अंदाज में चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेहतर अंदाज में तहरीक इंसाफ मजबूत मुस्तकम होगी। रहमान रहीम वज़ीर वसीम रहमान, ISF से मेरा ताल्लुक़ है। जैसा कि आज 23 मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 23वां योम तासीस था, ये दिन है तजदीद एहद वफा का। गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गिलगित बल्तिस्तान ने जैसे कि सबके ने देखा कि एक भरपूर अंदाज में योम तजदीद एहद वफा मनाया। 23 मार्च वो दिन है जब खान साहब ने इस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ एक अलम जहाद बुलंद किया, जो 23 साल बाद एक तनावर दरख्त वो पौधा बन चुका है जो खान साहब ने 23 साल पहले बोया था। और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में इन नौ सरबाजों और अकरबा परवरी करने वाले हुक्मरानों को इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके कायदीन की तरह का जवाब इंशाल्लाह अदालतों से मिल जाएगा। वस्सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
سب سے پہلے میں ہم ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج گلگت کا جو یوم تاسیس کا جو آج ایونٹ ہوا ہے 23واں یوم تاسیس پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑی تعداد میں آج شرکت کی. ڈسٹرکٹ گلگت میں ہمارے یوتھ اور آئی ایس ایف کے دوستوں نے مدر پارٹی اور خواتین ونگ کے جو ساتھی ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے 23واں یوم تاسیس کے موقع پر تجدید عہد وفا کا پیغام پہنچایا ہے. اور آج سے 23 سال پہلے چیئرمین عمران خان صاحب نے جس مشن کا بنیاد انہوں نے ڈالی تھی اور 23 سال کی جدید بہت طویل جد و جہد کے بعد ایک منظم اور مضبوط جماعت بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. ملک میں انہوں نے سٹیٹس کو کی جماعتوں کو 23 سال لگاتار محنت کی لمبی محنت کے بعد ان کو شکست دی اور آج یقیناً عوامی ایک ایسی حکومت قائم ملک میں ہوئی ہے جو انصاف پر مبنی ہے. اور ہم انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام توقع کرتے ہیں کہ جو ظلم زیادتیاں گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں بالخصوص پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ باریاں تو لیتے رہے لیکن گلگت بلتستان کو ہمیشہ محروم رکھا. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں یہ جو نوجوان آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کا بھی یہ ہمیشہ شکوا ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے گئے. اب بنیادی حقوق دینے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. لیڈرز نے آج تک گلگت بلتستان کو نظر انداز رکھا. ان لیڈروں میں میاں محمد نواز شریف ہے, ان لیڈروں میں آصف علی زرداری ہے. تو اب عوام انشاءاللہ اس بات کا توقع کرتی ہے کہ چیئرمین عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کو یہاں کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ ایسے پیکیجز عنقریب آنے والے وقتوں میں اعلان ہوں گے کہ اگلا سال ہمارا الیکشن ایئر بھی ہے اور تبدیلی کی جو ہوا پورے ملک سے چلتی ہوئی گلگت بلتستان کے تمام کونوں کے اوپر جو ہمارے 3 ڈویژنز اور 10 اضلاع ہیں یقیناً اس وقت ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سب سے مضبوط اور سٹریٹ پاور میں سب سے نمبر 1 پہ پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے. اس میں یوتھ اور آئی ایس ایف بہت زیادہ فعال ہے. آپ یہ چہرے دیکھ رہے ہیں, ایک نعرے کے گونج سے آپ کو ابھی ہی پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کس قسم کی ہے. شیر غازی صاحب آپ ایک نعرہ لگا کے ذرا جنون تو دکھائیں ہمارے جو نوجوان ہیں اس کیمرے کی. آئی آئی بیٹی آئی, آئی آئی بیٹی آئی, آئی آئی بیٹی آئی, ترزور سے بولو بیٹی آئی, للکار کے بولو بیٹی آئی, تردیبی بولو بیٹی آئی,